आपके साथ नीलकमल सिहाग और आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज। राजस्थान में सियासी संग्राम जारी है और इसी कड़ी में प्रदेश की राजनीति में लगातार नए मोड़ सामने आ रहे हैं, जहां अशोक गहलोत और उनकी कैबिनेट जल्द से जल्द विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर प्रयास में जुटी हुई है, वहीं अब इस संबंध में राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी के दबाव में काम नहीं कर रहा हूं, संविधान को मानता हूं और उसे फॉलो करता हूं। सियासी ड्रामे में लगातार कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। जहां प्रत्यारोप आरोप का दौर जारी है, वहीं विधानसभा सत्र को बुलाने को लेकर जुटी कांग्रेस लगातार राज्यपाल पर आरोप लगा रही है कि वो केंद्र के दबाव में आकर विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब इस संबंध में राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से चुप्पी तोड़ी गई है। राज्यपाल ने इकोनॉमिक्स टाइम्स को दिए अपने इंटरव्यू में कांग्रेस के आरोप को निराधार बताते हुए साफ तौर पर कहा है कि मैं किसी के दबाव में आकर काम नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ संविधान को ही अपना मालिक मानता हूं और उसी का अनुसरण करता हूं। नोटिस मामले को लेकर राजस्थान विधानसभा के स्पीकर की ओर से सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी के वापस लेने के बाद दोबारा उसे नए सिरे से दायर करने की बात की जा रही है। इसी संबंध में स्पीकर के वकील प्रतीक कासलीवाल ने इंडिया टुडे को जानकारी दी है। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष की ओर से बागी विधायकों की अयोग्यता नोटिस भेजा गया था, जिसके चलते सचिन पायलट खेमा हाईकोर्ट चला गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाईकोर्ट के दखल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे उन्होंने बाद में वापस ले लिया था। अब दोबारा नए सिरे से याचिका लगाने के लिए तैयारी की जा रही है। राजस्थान के सियासी संकट के बीच एडी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई को उर्वरक घोटाले के सिलसिले में दिल्ली से तलब किया है। 150 मिलियन के इस घोटाले में अग्रसेन गहलोत से वित्तीय जांच एजेंसी एडी दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ करेगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मदन दिलावर की ओर से दोबारा राजस्थान हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर आज सुनवाई होगी। दिलावर ने बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर यह याचिका दायर की थी। खास बात यह है कि पहली बार याचिका रद्द होने के बाद अब दिलावर ने विलय के खिलाफ दो दो याचिका दायर की हैं। राजस्थान के सियासी संग्राम के बीच सचिन पायलट खेमे के विधायक भंवरलाल शर्मा ने भी राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में शर्मा ने खरीद फरोख्त मामले की जांच एसओजी के बजाय एनआईए से करवाने की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शर्मा ने इस याचिका में केंद्र व राज्य सरकार सहित जांच अधिकारियों को भी पक्षकार बनाया है। शर्मा ने इसमें हवाला दिया है कि एसओजी ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए ऑडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। राजस्थान में सियासी संकट और सचिन पायलट की ओर से बगावत करने के बाद बनाए गए नए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बुधवार सुबह विधिवत तरीके से अपने कार्यभार को संभालेंगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सुबह 10 बजे होने वाले इस आयोजन में राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे, सीएम अशोक गहलोत सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसी इस दौरान मौजूद रहेंगे। राजस्थान की सियासत की और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीपीके न्यूज़ पर।